आपका क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो क्या दिया है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर टू एंथ टर्म। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो भी हम लिखेंगे। एट द सेम टाइम आपको ये भी लिखना है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसको सॉल्व करो। ए माइनस बी होल स्क्वायर हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर का लिखो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई एंड सो ऑन अप टू एंथ टर्म। ठीक है, नाउ अब आपका सम का फॉर्मूला इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, नाउ तो इसके अंदर देखो ए क्या है आपका, एन क्या है आपका nth टर्म, दैट मीन्स एन इज एन, एन इज इक्वल टू एन, ए इज इक्वल टू दिस वैल्यू क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, और आपका क्या है d, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है a2 टू माइनस ए वन दैट इज इक्वल टू ए टू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वन, ए वन इज दिस, तो दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गेट कैंसल, आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया टू एक्स वाई। ठीक है ना, अब इसको इसके अंदर आपको पुट करना है दैट टू एन टर्म्स, तो आपका क्या है देखो एस एन का एस एन हो गया और n बाय टू का n बाय टू हो गया। ठीक है ना, यहां पर देखो टू इंटू ए, ए इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, तो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, ये एक हो गया, फिर आपका देखो क्या है प्लस एन माइनस वन और डी इज टू एक्स वाई, टू एक्स वाई। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आपका एन बाई टू इंटू नाउ टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई एन, टू एक्स वाई एन माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, नाउ को सॉल्व किया हमने तो हमारा आ गया n बाई टू, नाउ यहां पर देखो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर और यहां पर देखो माइनस फोर एक्स वाई, यहां पर है माइनस टू एक्स वाई, तो आपका हो गया माइनस सिक्स एक्स वाई और यहां पर है प्लस टू एक्स वाई एन। ठीक है, अब देखो ऑल आर इवन तो टू विल कम आउट, तो आपका देखो क्या हो गया एन बाई टू इंटू टू और आपका क्या बचा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस एक्स वाई एन। ठीक है, तो टू एंड टू गॉन है ना, तो आपका क्या बचा देखो x प्लस वाई
तो आप इसको आप लिख सकते हैं, एन कॉमन है हमारा, एन इज कॉमन, तो एन इज कॉमन तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, यहां तक हमारा एन इज कॉमन। तो और आगे है आपका एक्स वाई और ये हो गया आपका एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। तो नाउ इट विल कम एज, देखो क्या आ रहा है, एन स्क्वायर को पहले लिख लो तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई एन स्क्वायर और फिर प्लस एन और आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, तो दिस इज योर एंथ टर्म, नहीं आएगा आपका एंथ टर्म। और अदरवाइज आप इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो आपका और भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, और आपका आ जाएगा एक्स वाई एन स्क्वायर प्लस, नाउ एन के साथ इसको करो, देखो ये आपको आगा माइनस 3xy को स्प्लिट करो, माइनस 3xy को, तो माइनस 3xy को हम लिख सकते हैं माइनस 2xy एंड माइनस एक्स वाई, है ना। तो माइनस 2xy हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई एन। तो अब देखो और आप कैसे लिख सकते हैं इसको, जो करेक्ट प्रोसीजर है उसमें आप इसमें अंदर एन इज कॉमन, तो और आप लिख सकते हैं इसको एन इज कॉमन, तो हमने लिख दिया एन। ठीक है ना, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो यहां पर आ गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है ना, और यहां पर देखो एक्स वाई एंड एक्स वाई दोनों है, तो एक्स वाई को हम बाहर लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस एक्स वाई, और क्या बच गया यहां पर, एन पहले से ही बाहर था तो एन, तो आपका आ गया एन माइनस वन। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, ये लिख लो अदरवाइज दिस और दिस। ठीक है, तो एक्चुअली आप यहां तक भी छोड़ते हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपका आंसर इज देश। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको